नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पेड़ जो कि हमारी धरती का श्रृंगार होते हैं, जो सांसें हम लेते हैं वो ऑक्सीजन भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। लेकिन अंबाला का प्रशासन तो इन्हीं पेड़ों की सांसों का दम घोटने में लगा हुआ है। अंबाला से सामने आई ये तस्वीरें ताऊ देवीलाल चौक की है, जहां पर सौंदर्यीकरण के नाम पर पहले से ही मौजूद पेड़ों को काटा जा रहा है। चौक पर लगे इन हरे भरे पेड़ों को जड़ से ही काट दिया गया है और जो पेड़ थोड़े बहुत बचे भी हैं उन्हें भी काट दिया जाएगा और वो भी सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर। हरियाणा की सरकार जो कि खुद ही हरियाली के लिए बात करती हुई नजर आती है, तो फिर उसी सरकार के राज में ऐसे हरे भरे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। मजदूर लगाकर उन पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा है। कोई प्रशासन से पूछे कि आखिर इस तरह पेड़ों की बलि देना आखिर कहां तक जायज है। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आखिर इस तरह हरे भरे पेड़ को काट कर क्या मिला? क्या सौंदर्यीकरण के नाम पर किसी पेड़ की बलि दे देना कहां तक जायज है? प्रशासन ने जो ये पेड़ काटा है क्या उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएगा? सौंदर्यीकरण के नाम पर क्या पेड़ ही काटना एक आखिरी रास्ता है? देखना होगा कि इन सवालों का जवाब प्रशासन के द्वारा कब तक दिया जाता है।